वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। गोविंदा बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जिन्हें के दर्शकों ने आज तक सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। बॉलीवुड के 90s के दौर में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने कि अपनी ऑडियंस को अपनी फिल्मों से इतना हंसाया हो। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं गोविंदा के लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि आप आज तक ना जानते हैं। जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, somehow या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। फैक्ट नंबर वन, गोविंदा का जन्म साल 1963 में बिरार के स्लम एरिया में हुआ था, जहां पर उनके पेरेंट्स रहा करते थे। गोविंदा के फादर अरुण एक एक्टर थे और मां निर्मला देवी एक सिंगर के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी थी। अरुण, जिनका पूरा नाम अरुण कुमार अकुजा था, वो लेजेंडरी एक्टर और डायरेक्टर महमूद के कई फिल्मों में एज अ लीड एक्टर नज़र आए थे, जिनमें से साल 1940 की एक औरत फिल्म पॉपुलर है। लेकिन आगे चलकर अरुण ने एक ऐसे फिल्म को प्रोड्यूस किया जो कि एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिस कारण उन्हें अपना सब कुछ बेचकर अपने फैमिली के साथ विरार के स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। फैक्ट नंबर टू, मुंबई में कार्टर रोड के बंगलों को छोड़कर विरार में शिफ्ट होने के बाद उनके घर गोविंदा का जन्म हुआ, जो कि 6 भाइयों और बहनों में सबसे छोटे थे और सबसे छोटे होने के वजह से सब उनको चीची कह के पुकारते थे, जिसका मतलब छोटी उंगली होता है। फैक्ट नंबर थ्री, साल 1994 वो साल था जब गोविंदा मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। एक्चुअली जब गोविंदा अपनी फिल्म खुद्दार के शूटिंग के लिए स्टूडियो जा रहे थे, तब उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी कार एक दूसरे कार से टकरा गई थी और इस एक्सीडेंट के कारण उनके माथे पर काफ़ी गहरी इंजुरीज भी आई थी। मगर इसके बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर से इलाज के बाद उसी दिन आधी रात तक फिल्म को शूट किया। फैक्ट नंबर फोर, गोविंदा ने जब बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल कर ली, तब वो जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। मगर काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद जॉब ना मिलने के बाद गोविंदा को उनके फादर ने कहा कि उन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए, जिसके बाद कि गोविंदा ने फिल्मों की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर फाइव, गोविंदा शुरुआत से ही फिल्मों के लिए काफ़ी क्रेजी थे और बचपन में फिल्म्स देखने के लिए पैसों को भी बचाया करते थे। साल 1982 की फिल्म डिस्को डांसर गोविंदा को काफ़ी पसंद आई थी और इसलिए जब उन्हें उनके फादर ने फिल्मों में जाने के लिए कहा, तो उन्होंने घंटों तक प्रैक्टिस किया और एक VHS कैसेट को अपने प्रमोशन के लिए आसपास सर्कुलेट कर दिया, जिसके बाद उन्हें कई कॉमर्शियल एड्स में जॉब ऑफर हुए। फैक्ट नंबर सिक्स, कॉमेडी के साथ साथ गोविंदा अपने डांसिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा जिस तरह अपने डांस में एनर्जी और एक्सप्रेशंस देते हैं, वैसा आज तक बॉलीवुड में कोई भी एक्टर नहीं दे सकता। और ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि गोविंदा ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ले रखी है। साथ ही गोविंदा डांस को लेकर इतने पैशनेट थे कि वह मीलों पैदल चल के सरोज खान के पास डांस सीखने के लिए आया करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई भी अपनी प्राइवेट कार नहीं थी। फैक्ट नंबर सेवन, गोविंदा के मैरिड लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1987 में फिल्म इंडस्ट्री से चुपके से अपने अंकल आनंद सिंह की सिस्टर इन लॉ सुनीता मुंजल से शादी कर ली थी, जो कि 4 सालों तक एक सीक्रेट था। गोविंदा को उनके अंकल आनंद सिंह ने ही उनकी पहली फिल्म तन वदन में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में काम भी किया है। फैक्ट नंबर एट, गोविंदा के एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गोविंदा के कुल 6 भांजे और 2 भांजी हैं, जिसमें कृष्णा अभिषेक, रागिनी खन्ना और आरती सिंह जैसे पॉपुलर नाम भी शामिल हैं। हालांकि फिलहाल गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा के बीच काफ़ी टेंशन का माहौल है, और कुछ दिन पहले जब गोविंदा द कपिल शर्मा शो में आए थे, तब कृष्णा ने शो में परफॉर्म नहीं किया, जिसके कारण ये बात मीडिया में काफ़ी वायरल हुई। फैक्ट नंबर नाइन, जब महाभारत सीरियल का कास्टिंग किया जा रहा था, तब गोविंदा को अभिमन्यु का रोल ऑफर किया गया था, जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन तक दे दिया। मगर फिर जब उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला, तो उन्होंने महाभारत सीरियल को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर टेन, गोविंदा ने पहली बार अपनी फिल्म तन वदन के लिए शूटिंग किया था, मगर इल्ज़ाम वो फिल्म थी जो कि गोविंदा की पहली फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने लव 86, खुदगर्ज, जंगबाज, हत्या और मरते दम तक जैसे फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 11, साल 1990 के बाद से गोविंदा को वो पहचान मिला जिसके लिए वो आज तक जाने जाते हैं,
90s के दौर में उन्होंने डेविड धवन के साथ 16 और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कूली नंबर वन और हीरो नंबर वन जैसी कई क्लासिक कॉमेडी मूवीज बनाई जो कि आज तक लोगों को काफ़ी हंसाते हैं। फैक्ट नंबर 12, गोविंदा के साथ टाइम टू टाइम कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ते रहते हैं और ऐसा ही एक कॉन्ट्रोवर्सी तब क्रिएट हो गया था जब गोविंदा ने साल 2008 में एक स्ट्रगलिंग एक्टर संतोष राय को थप्पड़ मारा था। ये इंसिडेंट फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर हुआ था, जिसके बाद उस स्ट्रगलिंग एक्टर ने गोविंदा को कोर्ट में चैलेंज किया, मगर वहां जस्टिस ना मिलने के बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसके बाद साल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफ़ी मांग के सारा मैटर क्लोज करने को कहा, मगर गोविंदा का कहना था कि अगर कोर्ट मुझे राइटिंग में देगा तब मैं कुछ डिसाइड करूँगा। फैक्ट नंबर 13, इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक गदर के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पहले गोविंदा को एज अ लीड एक्टर कंसीडर किया था, मगर जब महाराजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर में सनी देओल को कास्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 14, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि साल 1995 की कूली नंबर वन कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, पर क्या आप ये जानते हैं कि पहले इस फिल्म का नाम कूली नंबर वन नहीं बल्कि सिर्फ कूली रखा गया था, मगर डायरेक्टर मनमोहन देसाई के पास इस टाइटल के राइट्स होने के कारण इस फिल्म को गोविंदा के सजेशन पर कूली नंबर वन का टाइटल दिया गया और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि बाद में फिर डेविड धवन और गोविंदा ने नंबर वन फिल्म सीरीज को शुरू किया। फैक्ट नंबर 15, डेविड धवन और गोविंदा ने आज तक लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों में रिप्ट आ गए। हालांकि डेविड धवन अब अपने ही 90s के फिल्मों के रीमेक्स को बना रहे हैं, जिसमें कूली नंबर वन के रीमेक का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। साथ ही इस फिल्म को लेकर गोविंदा के फैंस इसलिए नाराज हैं कि फिल्म के ट्रेलर में कहीं भी ना तो गोविंदा के कैमियो रोल हैं ना ही उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। फैक्ट नंबर 18, अपनी पहली फिल्म इल्ज़ाम से ही गोविंदा और नीलम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी भी कराते थे, लेकिन गोविंदा की माँ इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थी क्योंकि वो चाहते थे कि गोविंदा की शादी डायरेक्टर आनंद सिंह की वाइफ की बहन सुनीता से हो और इसी कारण गोविंदा ने सुनीता से शादी किया और अपनी शादी को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से 4 साल तक छुपा कर रखा ताकि उनकी शादी उनके फिल्मी करियर को अफेक्ट ना करे। फैक्ट नंबर 19, गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार अपने करियर के शुरुआत में ये इंसिस्ट करते थे कि अगर कोई प्रोड्यूसर गोविंदा को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए आता है तो उसे कीर्ति कुमार को भी एक्टिंग या सिंगिंग के लिए साइन करना पड़ेगा क्योंकि कीर्ति कुमार भी अपना फिल्मी करियर बनाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 20, आप में से ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि लेजेंडरी तबला प्लेयर लक्ष्मी नारायण सिंह, जिन्हें कि लच्छू महाराज के नाम से भी जाना जाता है, वो गोविंदा की मां निर्मला देवी के भाई थे जिन्होंने पद्मश्री जैसे अवार्ड को लेने से मना कर दिया क्योंकि ऑडियंस की तारीफें ही उनके लिए बहुत थी। फैक्ट नंबर 21, सलमान खान की फिल्म जुड़वा को पहले गोविंदा ने साइन किया था, मगर जब सलमान खान ने गोविंदा से रिक्वेस्ट किया कि वो इस प्रोजेक्ट को उन्हें हैंड ओवर कर दें तो गोविंदा ने ये फिल्म सलमान खान को दे दिया। फैक्ट नंबर 22, रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गोविंदा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपनी फिल्म अवतार के लिए पहले गोविंदा को अप्रोच किया था, मगर उन्होंने इस फिल्म को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गोविंदा नहीं चाहते थे कि उनकी पूरी बॉडी पर ब्लू पेंट लगाया जाए। लेकिन अगर हम अवतार मूवी के मेकिंग को देखें तो ये पता चलता है कि मेकिंग के दौरान किसी भी एक्टर के बॉडी को पेंट नहीं किया गया। इस स्टेटमेंट के बाद गोविंदा को सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो यही एंड होता है। आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी गलत या सही लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें।